बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। जी बेटे, आज हम लेसन नंबर 6 में ग्रामर कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब हम वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। मीन्स किसी भी वर्ब के एक्शन का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक जो है वॉइस कहलाता है। अब एक्शन या तो दिया जा रहा होता है या लिया जा रहा होता है। देर आर टू टाइप ऑफ वॉइसिस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसे हम वॉइस चेंज भी कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव टू एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड वॉइस चेंज। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। वन द सब्जेक्ट इट सेल्फ डज द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम उर्दू में फेल मारूफ कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस फिक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है। एक्टिव वॉइस की सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन एक्शन एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल से ही हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी। शी हेल्प्स हिम, वो उसकी मदद करती है। अली स्टोल्स हर पर्स, अली उसका पर्स चोरी करता है। अब हमें एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स के सेंटेंसेस से ही पता चल रहा है कि काम के करने का जिक्र है और सब्जेक्ट जो है काम करने वाले जो हैं वो शी है और अली है। नाउ कम्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस। When the subject doesn't do the work, the verb is in the passive voice. Passive voice को उर्दू में फेल मजहूल कहते हैं। अब passive voice फिक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और subject यानी कि काम जो करने वाला होता है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। Active voice फिक्रों का जो object है दरअसल passive voice फिक्रों में subject बन जाता है। और इसके sentence structure से हमें पता चल रहा है कि पहले object आएगा, then action and then subject. पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, ही इज हेल्प्ड बाय हर। नंबर टू, हर पर्स वॉज स्टॉलन बाय अली। अब हमें इन सेंटेंसेस से मालूम हो रहा है कि फिक्रे में काम करने का नहीं बल्कि काम होने का जिक्र है। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो वो पैसिव वॉइस फिक्रे कहलाते हैं। देर आर फोर रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। रूल नंबर वन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस फिक्रे का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और एक्टिव वॉइस फिक्रे का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस फिक्रे में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। रूल नंबर टू हमारे पास है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस जनरली प्रोसीडेड बाय द प्रपोजिशन बाय। मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस देते हुए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस देते हुए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर थ्री है हमारे पास, द मेन वर्ब इज चेंज इन टू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड इट इज प्रोसीडेड बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन पैसिव फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लास्ट वन हमारा रूल है, रूल नंबर फोर, देर आर सम वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स। इन सच केसेस ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेफरेबली द पर्सनल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड एंड द अदर इज रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि एक को चेंज किया जाएगा, दूसरे को रिटेन्ड ऑब्जेक्ट का नेम दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 11 की रीडिंग करते हैं। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। हाउ एवर देर आर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ टू अ मॉडरेट लेवल। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, इंडस्ट्री, सनती, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, गेट रिड, छुटकारा पाना, मीन्स ज़राए, रिड्यूस, कम करना, इंटेंसिटी, शिद्दत, मॉडरेट, मुनासिब, लेवल, हद। इन द मॉडर्न एज, जदीद दौर में, ऑफ इंडस्ट्री, सनत के एंड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक के, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन नामुमकिन है, टू गेट रिड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन,
शोर की रुदगी से छुटकारा पाया जाए। जदीद सनती और इलेक्ट्रॉनिक दौर में शोर की रुदगी से छुटकारा पाना तकरीबन नामुमकिन है। हाउएवर, ताहम, देयर आर वेज, यहाँ तरीके हैं एंड मीन्स ज़राए हैं टू रिड्यूस, कम करने के द इंटेंसिटी, शिद्दत ऑफ नॉइज़ शोर की टू अ मॉडरेट लेवल, एक मुनासिब हद तक। ताहम शोर की आलूदगी की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम करने के तरीके और ज़राए मौजूद हैं। बेटे ग्लोसरी में एक मीनिंग रह गया था सेविज, इसका मीनिंग है गार्बेज एंड रबिश, इसको भी अपनी बुक पर लिख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।